हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे मैं बहुत अच्छी हूँ और गाइज uh, मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाह रही वैसे तो मुझे लग रहा है ये जेनवन है बट आप लोग कमेंट करना सजेस्ट करना मोस्टली क्या होता है ना गाइस अगर कोई इंसान बहुत नीचे से उठा है मतलब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है उसने कभी लाइफ में कुछ देखे नहीं मतलब खाने पीने वगैरह एवरीथिंग में तो अक्सर वो लोग को अगर कुछ फेम मिल जाए या फिर थोड़े पैसे मिल जाते हैं या फिर अभी तो आप लोग को पता है कि अभी के टाइम में लोग ट्रेंड बहुत जल्दी कर जाते हैं या फिर वायरल बहुत जल्दी हो जाते हैं बहुत सारा तरीका है तो उस केस में अगर कोई इंसान यहाँ से उठ के यहाँ पे जाए तो आप नोटिस करना वो इंसान की जो एटीट्यूड है ना बहुत डिफरेंट हो जाती है बहुत डिफरेंट मतलब वो इंसान सोचते मैं तो अब साथ में आसमान छू लिया अब तो मुझे कोई बीट नहीं कर सकता कंपीट नहीं कर सकता है या फिर आ, मैं जिस लेवल पे हूँ उस लेवल पे कोई आ नहीं सकता है मतलब ऐसे थिंकिंग हो जाती है ये चीज़ मुझे लगता है वैसा बट मैंने मोस्टली फेस भी किया है ऑफिस लाइफ में भी फेस किया है नॉर्मल लाइफ में भी कॉलेज लाइफ में भी तो आप लोग सजेस्ट करना आप लोग को क्या ये बात सही लग रही है या फिर ये बात गलत लग रही है तो आप लोग ये चीज़ बताना मुझे और तो हाँ गाइज मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस में चंद्रिका की आप लोग जानते हो चंद्रिका को बड़ा पाव गर्ल है बहुत फेमस है बहुत नेम फेम कमाया और डायरेक्ट बिग बॉस में पहुंच गई मतलब इसने तो मतलब कहते हैं यूं छलांग मारा मतलब बड़ा पाव बेचा मतलब सबने उसको इतने वो किया अच्छी बात है अपने दम पे एक ठेला लगाना और फिर एक लड़की इतना मेहनत करना बहुत ही अपने अंदर एक हिम्मत की बात है बट कहीं ना कहीं थोड़े से के लिए ना चुप गई चंद्रिका मतलब अगर आप इस लेवल पे आए हो तो अपने आप को दूसरों से एक जैसा समझो मतलब कंपेयर मत करो कि मैं बहुत हाई लेवल पे हूँ सामने वाला लो लेवल पे ऐसा नहीं होता है अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो दूसरा वाला भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी फील्ड में मेहनत किया होगा तो गाइज आप लोग सजेस्ट करना क्या मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ अभी चंद्रिका थोड़ा अपने आप को इतना ज्यादा कहते हैं पॉइंट्स पाने के लिए पॉइंट्स मतलब खुद को हाईलाइट करने के लिए बिग बॉस के उसमें क्या कहते हैं मैं भूल जा रही हूँ अभी तो अभी मैं बिग बॉस देख के आई हूँ थोड़ा वीकेंड का वार है आज का सैटरडे है अभी टाइमिंग हो रही है दस ट्वेंट दिन देख लो टेन ट्वेंटी नाइन हो रही है अभी थोड़ा बाकी है अभी और देखूंगी लाइफ का गाइज ट्वेंटी नाइन रुपीज़ का रिचार्ज करते दैन मैं देखती हूँ फिर बहुत मतलब मन तो वैसा नहीं होता बट फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ किरतेगा और अरमान के लिए जो कि अरमान बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और शिवानी के लिए तो इसके लिए मैं देखती हूँ बिकॉज बाकी तो मैं किसी को नहीं जानती हूँ हाँ मुझे जानना है क्योंकि सबको जानने कोई मतलब नहीं है जब से ये सुशांत सिंह वाला केस हुआ है ना मैं ट्रस्ट भी बताऊंगा मुझे कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं पसंद नहीं है या फिर मेरा कोई रोल मॉडल भी नहीं है उससे रिलेटेड ना कोई है ना कोई होगा कभी तो जो अभी ये लोग जा रहे हैं बिग बॉस में जो यूट्यूबर्स हैं उनमें मैं बहुत को पसंद करती हूँ इवन बहुत को मैं लाइव देखती हूँ प्लस रोज डेली ब्लॉग देखती हूँ तो उस ब्लॉग में मतलब लगता है कि मैं रियली ट्रूथ देख रही हूँ वो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है तो गए चलिए बात करते हैं चंद्रिका की चंद्रिका अभी आप लोग ने बिग बॉस में देखा या आप लोग सजेस्ट करना मुझे बताना बिग बॉस में कुछ ज़्यादा मतलब विशाल को वो कर रही है हर चीज़ों में विशाल विशाल उसको कभी कुछ बोलना ठीक है यार एक गलती हो गई बट आप बार बार उसको क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो क्योंकि आप जान रहे हो कि उसी के पीछे मैं खुद को आगे लेके जाऊंगी तो आज देखो चंद्रिका आप आज एविक्ट हो रहे हो और सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि आप बस दूसरों की चुगलियाँ कर रहे हो इसलिए मैंने बोला ना कि जो इंसान को थोड़ा फेम मिलता है वो इंसान सोचता मैं अब जो हूँ मैं ही हूँ बाकी दुनिया कुछ नहीं है ऐसा नहीं होता है अगर आप समय समय की बात है समय आपको यहाँ तक लेके आई है तो समय पीछे भी ले जा सकती है आपको टाइम कभी सिक्का एक जैसा नहीं रहता है वो बदलते रहता है तो कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी वे में ना सुंदरता की घमंड करनी चाहिए ना पैसे की और ना और कुछ दो ही चीज़ की मोस्टली घमंड होती है अक्सर लड़कियों में घमंड होती है सुंदरता की तो देखो सब लोग मिट्टी में ही जाके मिलते हैं एक हमारा शरीर मिट्टी ही है आज इसको जला देंगे तो ये मिट्टी बन जाएगी इसको कोई नहीं पूछता अगर आप सुनसान घाट में जा रहे हो तो अगर वो अम्बानी भी है ना तो अम्बानी के सामने में जो एक कहते हैं ना जो सड़क पर रिक्शा चलाने वाले हैं उसकी भी बॉडी सेम जगह जलती है ऐसा नहीं कि उसका बॉडी कहीं और ये तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए सबको आप एक जैसा समझो और सब एक हैं कोई अलग नहीं है सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी अलग अलग लाइफ है अलग अलग रूल है वो अपने अकॉर्डिंग होता है ठीक है आपको नहीं मान था आप अपने अकॉर्डिंग करो तो भाई चंद्रिका भी बहुत ज़्यादा बैक पिचिंग भी कर रही थी जो मुझे पसंद नहीं आया और मैं शुरू से चंद्रिका को नहीं पसंद करती हूँ आई डोंट नो मैं जानती नहीं हूँ आई नो कि वो उससे फेमस हुई है तो यहाँ तक पहुँची है चलो ठीक है उसकी लाइफ थी फेमस हुई यहाँ तक आई बट उसने गेम अच्छा नहीं खेला उस बहुत ज़्यादा बड़बड़ 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 बहुत मतलब कहते हैं ना इंसान को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मिल गया तो वो चीज़ें हो रही है और शिवानी गेम सही खेल रही है ठीक है बट थोड़ा सा डगमगा रही है अभी तो वो बार बार अरमान को पॉइंट आउट करती है हर चीज़ में अरमान करती है बट ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो अरमान के साथ खेलेगी तो पब्लिक को मुझे लगता है और पसंद आएगा अगर वो अरमान एक साथ रहेंगे तो टीम रहेगा तो और बेटर लगेगा लेकिन शिवानी यहाँ कुछ अपने आप को थोड़ा सा कर रही है बट वो नहीं कर रही तो बेटर है और कृतिका तो उतनी गेम बेटर नहीं खेलती है बट अरमान की वजह से वो चल रहा है और गाइज मुझे जहाँ तक लगता है अरमान की फैन फॉलोइंग बहुत है और अभी जो पायल की फॉलोइंग है वो भी अरमान कृतिका को सपोर्ट कर रहे हैं तो आई नो आई क्या वो लोग जीते और वो ना तो फिर शिवानी जीते बस दो बाकी तो ठीक तो है और उसके बाद आप लोगों को पता है कि वो एविक्ट हो गई अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है और आज का ब्लॉग ये सॉरी बिग बॉस बहुत अच्छा लगा मुझे वीकेंड का बार काफ़ी अच्छा था इंजॉय किया पूरा मतलब सही है अनिल कपूर ने अच्छे से ली चंद्रिका की बहुत अच्छे से बताया तो यही था गाइज़ आज का ब्लॉग वैसे तो कुछ खास नहीं रहा तो आज का ब्लॉग यही है बाकी लोग जो मेरे चैनल में नए हो वो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब कर लेना बाकी कल देखते हैं कल का ब्लॉग कल का ब्लॉग भी बिग बॉस रहेगा तो बताऊंगी मैं नेक्स्ट क्या है और गाइज सपोर्ट करो पायल मलिक कृतिका मलिक अरमान मलिक को जो मेरे फॉल जितने भी हैं मेरे सब्सक्राइबर और बस डैट सेट चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जय माता दी जय श्री राम